नीट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती कॉलेज के प्रोफेसर प्रदीप जोशी ने उनके कार्यकाल में कई प्रकार के घोटाले किए हैं। जीतू पटवारी ने प्रदीप जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह छत्तीसगढ़ गए तो वहां पर भी उन्होंने कई प्रकार के घोटाले किए। जीतू पटवारी ने उनके कार्यकाल में बने आईएएस आईपीएस की भी जांच करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के एक प्रोफेसर थे ना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के, वो जब यहाँ पर पीएससी के चेयरमैन बने तब कई प्रकार के घपले और घोटाले हुए, जिसमें परिवहन के घोटाले, पुलिस के घोटाले, स्कूल के घोटाले, वन विभाग के भर्तियों के घोटाले, आरटीओ के घोटाले, ऐसे कई अपराध उनके कार्यकाल में हुआ। फिर वो गए छत्तीसगढ़, वहां भी घपले घोटाले हुए। फिर वो यूपीएससी के चेयरमैन बने, प्रदीप जोशी जी। हमने मांग की कि उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आईएएस और आईपीएस बनाए गए या यूपीएससी से चयनित हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, नीट की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। दिग्विजय ने आगे कहा कि हमें आरएसएस से सीखना चाहिए कि कानाफूसी किस तरीके से की जाती है और माइंड गेम कैसे खेला जाता है। मैंने तो आरोप ये लगाया है कि कौन क्यों है, जब हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो बोलते क्यों नहीं कि नीट की परीक्षा कैंसिल करो। मेरा आरोप ये है, माइंड गेम जो खेलते हमको भी खेलना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।